अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस के मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझाए हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थे। क्लियर? अब मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन के सेट्स देख लें। हमें एक्स का सेट गिवन है, फिर हमें वाई का सेट गिवन है, और फिर हमें जेड का सेट गिवन है, एंड हमें ज़ीरो का सेट, ये ज़ीरो नहीं सॉरी ओ का सेट भी गिवन है। अब हमें शॉर्ट रेट क्या करना है, ये क्वेश्चन है लेंथी, हमें शॉर्ट रेट करना है ये वाली वैल्यू। क्लियर? सेंटर में इजिकस टू आ रहा है, फिर हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है इजिकस टू, फिर हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। क्लियर? अब हमें इजिकस टू का मतलब है इन तीनों का आंसर हमें सेम आना चाहिए। सही है? तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने क्या उतारा, सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू उतार ली क्योंकि अभी हमें ये सॉल्ट आउट करनी है। क्लियर? तो अच्छा, मैंने आपको रूल्स बताए हैं पहले भी, जो यूनियन वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर भी हमें पहले सेट सॉल्व ब्रैकेट सॉल्व करते थे। इसमें भी हम ये करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई, एक्स का सेट हमें गिवन है क्या है, माइनस का 6, माइनस का 7, 8, 12। क्लियर? प्लस की साइन आगे बीच में। वाई का सेट हम देखेंगे, वाई का सेट हमें गिवन है 12, 14, 13, 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई। अब देखें माइनस का 6 और यहाँ प्लस के साइन लगी है, ये वाला 12। अब ये देखें आप, जो रो है जिस प्लेस पे जो वैल्यू रखी है उसी प्लेस पे उसको कंबाइंड करके हमें प्लस करना है। क्लियर? यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या 13, हम यहाँ बीच में सेंटर में गैप देंगे 8 प्लस 13। यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ माइनस का 14 है, प्लस का 14 है, यहाँ 12 प्लस का है, यहाँ प्लस का 15 है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इनके आंसर आएंगे, ये देखेंगे माइनस प्लस, यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ माइनस का हो रहा है या प्लस करो, तो हम एज इट इज़ पूरी साइन लिख देंगे। क्या करेंगे, माइनस का 6 लिखेंगे, प्लस का 12 लिख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या आ रहा है, 6, और साइन बड़ी की वजह से पॉजिटिव आ रही है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए, और हो क्या रहा है, माइनस हो रहा है। उसके बाद सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव में आंसर आया 8, और यहाँ पे 21 आया, और यहाँ आगे इन दोनों को प्लस करके यहाँ 12 और 15 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27। क्लियर? यहाँ पे आंसर कंप्लीट होगा। अब हम ये ब्रैकेट पूरा उतारेंगे। ब्रैकेट क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर? तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने आंसर निकाले वो रखेंगे पहले, और यहाँ प्लस की साइन आएगी, और यहाँ पे जेड का सेट रखेंगे। देखिए जेड का सेट क्या है, अभी देखें 1001, ये हमने जेड का सेट रख दिया। अब हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है, एक्स प्लस 21 प्लस 0। अच्छा, डायरेक्टली मत करिएगा ये, क्योंकि स्टेप लाजमी शो करने होते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली प्लस करके आप शो कर दें, स्टेप लाजमी शो करने। अब यहाँ देखें, यहाँ इसका फाइनल आंसर निकलेगा 61 प्लस का 7, नीचे भी 7 रहेगा, यहाँ 21 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 28। तो यहाँ पे इस वाले इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 की। क्लियर? अब हम यहाँ देख लें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, वाई प्लस जेड इजिकल्स टू के साइन लाएंगे, वाई का कॉलम, वाई के जो वो थी ब्रैकेट, वो हम सबसे पहले उतारेंगे, क्या था 12, 14, 13 एंड 15। ये हमने y का सेट रख दिया, यहाँ प्लस की वैल्यू रखी, z का सेट था हमारा 1001। क्लियर? अब हम इन दोनों सेट्स को आपस में प्लस करेंगे, 12 प्लस 1, 13 प्लस 0, 14 प्लस 0, 15 प्लस 1। अब हम इसका y प्लस z का आंसर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, ये 14, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, यहाँ 16 आंसर। क्लियर? अब हम इसकी पूरी इक्वेशन लिखेंगे,
पूरी जो क्वेश्चन है मैं वो लिखे हैं हमें। आज सबसे पहले हमें क्या है, x गिवन है, तो हम पहले x का सेट रखेंगे। x का सेट हमें मैंने लिखवाया स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, तो वहाँ से हम सेट लिखेंगे x का क्या था, माइनस का 6, माइनस का 7, 8, 12 के लिए ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे सेट्स। अब सेंटर में हम प्लस के साइन लगाएंगे, जो हमने आंसर निकाला है y प्लस जेड का वो रखेंगे, 13 प्लस 14, 13 एंड 16। अब हम इसको प्लस करेंगे, माइनस का 6, माइनस का 7, जो प्लेस वैल्यू जहाँ है वहीं रख के इसको दूसरे जो सेट्स हैं उसको आपस में कंबाइन करके प्लस कर लेंगे। प्लस का 13 एंड प्लस का 14, यहाँ 8 आ गया, प्लस का 13 एंड प्लस का 14, 8, 13 और यहाँ प्लस का 12 आएगा और यहाँ प्लस का 16, क्लियर। अब हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, देखें माइनस का 6 है, प्लस का 13 है, क्या आंसर आ रहा है, 7। यहाँ पे देखें माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे भी वो प्लस की साइन 14 के साथ यानी बड़ी वैल्यू के साथ, तो हम साइन बड़ी की लेंगे, तो यहाँ पे भी 7 आंसर आ जाएगा। और 8 में 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 21, और यहाँ 12 में 16 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 28। तो ये हमने क्या निकाला, इसके दूसरी इक्वेशन का आंसर निकाल लिया। तो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, क्लियर। अब हम नेक्स्ट यानी कि जो हमें लास्ट हमें फाइंड आउट करना था, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये भी फाइंड आउट कर लिया हमने, ये भी फाइंड आउट कर लिया, क्लियर, ये कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, इसमें क्या है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई। अब हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जेड प्लस वाई लिखेंगे हम, क्लियर। और फिर हम जेड का सेट रखेंगे पहले, जो कि है 0 1 0 1, सेंटर में प्लस के साइन आएंगे। वाई का सेट हम रखेंगे जो है 12 14 13 15, क्लियर। अब जेड प्लस वाई को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे सॉल्व करने के लिए, 0 प्लस 13, या 0 प्लस 14 एंड 1 प्लस 15, क्लियर। अब हम इसको इसका आंसर निकाल लेंगे, 12 1 प्लस कर 13, 14 का एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 13 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ 16 आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब हम ये इक्वेशन पूरी उतारेंगे, यहाँ देखें एक्स प्लस जेड प्लस वाई। अब हम एक्स का सेट रखेंगे जो कि है माइनस का 6, माइनस का 7, 8 एंड 12, क्लियर। प्लस की साइन सेंटर में आ जाएगी, और उसके बाद जो हमने इस वाली वैल्यू का आंसर निकाला हम वो रखेंगे जो कि है 13 14 13 एंड 16, क्लियर। अब हम अगेन क्या करेंगे, इसको 7 प्लस वाई, यहाँ पे प्लस आएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 6 यहाँ से, इसी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ 13 है तो हमने यहाँ 13 रख दिया, यहाँ 7, यहाँ प्लस, यहाँ 14 है तो 14 रख दें, यहाँ 8 रखेंगे प्लस, यहाँ पे 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, क्लियर। अब हम x प्लस जेड प्लस वाई, अब हम इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर निकाल लें। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव 7 आ जाएगा, क्लियर। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे भी पॉजिटिव 7 आएगा, और यहाँ पे 8 प्लस 13, तो ये हो जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे 12 प्लस 16, ये हमारा हो जाएगा 28। क्लियर। तो यहाँ हमने इक्वेशन 3 भी सॉल्व कर ली। अब हमारे क्या काम है, तीनों इक्वेशन को पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार देती हूँ, जो हमें क्वेश्चन गिवन था कि हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर। फिर सेकेंड था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इजिकल्स टू, फिर एक्स प्लस ब्रैकेट जेड प्लस
वाई ब्रैकेट क्लोज, ये हमें क्वेश्चन गिविन था। अब हम वन बाय वन जो हमने इक्वेशंस के आंसर निकाले, सबसे पहले हम इक्वेशन देखें यहाँ पे क्या निकली हुई। हम यहाँ सेंटर में साइन लगाएंगे, तो ये जो हमने सेट का आंसर निकाला हम ये लिख लेंगे इक्वेशन थ्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था इजिकल्स टू का मतलब होता है तीनों के आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे इजिकल्स टू आ गया। अब यहाँ इक्वेशन टू देख लिया, इक्वेशन टू देख लिया, हम यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे 7 7 21 28। अब इक्वेशन वन देख लें आप, इक्वेशन वन क्या है 7 7 21 28 7 7 21 and 28। तो यहाँ हमने इसको प्रूफ कर दिया तीनों के आंसर सेम आ रहे, इसका मतलब वेरिफिकेशन हमने कंफर्म कर दी। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स प्रूफ्ड। क्लियर। इसी के साथ दोस्तों यह आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।